वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए जी, रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश थी। ये देखिए पानी पानी इधर जमा हो गया हमारे। कल रात को पापा ना मानो को लेके आए थे। कौन सी मानो को? बिल्ली को। बिल्ली को लेके आए थे। इतनी ज़्यादा बारिश थी और रात को मोबाइल में भी चार्जिंग ख़त्म हो गई। पानी देखे जी, आ मम्मी इधर आ जाओ। सारा भर गया इधर से, सहन सारा भर गया था रात को। मैं उठी हूँ जी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 7:30 हो रहे, दुआ जी ने स्कूल जाना है। और मोमना जी कह रही है आज मैंने स्कूल नहीं जाना। आपने स्कूल क्यों नहीं जाना मोमना? वैसे क्या क्या मतलब? हाँ इधर, हाँ इधर मुँह करना, क्यों नहीं जाना? नहीं जाना। इसके पापा का स्कूल है, जब दिल चाहे चले जाए, दर दिल चाहे ना आ जाए। ऐसे ही चलो, दुआ तैयार हो रही है, पीछे मैं नाश्ता बनाऊँ, बर्तन वगैरह धोते हैं यहाँ से। हाँ जी, अच्छा हाँ, दुआ आप ही को पता है, आज ही फंक्शन है इनके स्कूल में। हाँ जी चलो पीछे हो फिर। और ये देखिए जी, इधर भी पानी, छत सारी खराब हुई पड़ी है। जब तेज बारिश आती है तो सारी छत टपकती है, तो छत सारी ठीक होने वाली थी। और ना इधर आ जाओ, पानी गिर रहा है। तो यहाँ से पानी निकाल लें, फिर जाएंगे नाश्ता लेने के लिए। चाय के साथ कोई बाका खाने मंगवा के देते दुआ को। हाँ जी चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, बस मां धो लिया। हाँ मोजे, न्यू वाले मोजे चलिए, सही है ये सॉफ्ट है। चलो ठीक हो गया, चलो चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करो। अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का। और सब देखने वाले सुनने वाले बहन भाई जी, जिस शहर से भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं जी, अल्लाह ताला जी उन्हें बाद और शाद रखे, हर दुख तकलीफ से फीफ जुमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सब सोच रहे होंगे कि सब इतने दो दिन के बाद वीडियो बना रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हो गई थी। हमने बनाए दाल चावल और मैंने सोचा क्यों ना अचार पड़ा है घर पर, अचार खा लेती हूँ। इश्फाक लेके आए थे बाजार से अचार, तो मैंने अचार खा लिया। मेरे गले में इतना पेन हो गया, मेरा गला है जो यहाँ तक सूज चुका था, अभी भी पेन हो रहा है गले में, लेकिन कुछ हद तक बेहतर है, बात कर सकती हूँ यानी के। तो इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई, गला खराब हो गया, बुखार हो गया मुझे। तो दो दिन के बाद अब जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हुई हूँ, अब तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और मेरी एक सिस्टर की कॉल आई थी कि जब तक हम आपका व्लॉग नहीं देखते तो हमारी सुबह नहीं होती। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार और मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी जो मुझे देखकर सुबह करते हैं अपनी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी मौसम की बात की जाए तो हमारे यहाँ भी कल बारिश हुई थी, बारिश के बाद आज जाके धूप निकली है। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी देर धूप में बैठूं ताकि जो तबीयत है ज़्यादा फ्रेश हो सके, क्योंकि सर्दी सी लग रही थी, अभी कमरों में सर्दी स्टार्ट हो चुकी है,
बच्चे जा चुके हैं जी एकेडमी और स्कूल जा चुके हैं बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं घर की सफाई वगैरह करने लगी थी, तो वो भी शेयर करते हैं जी आपके साथ मैं क्या क्या करने लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आज वीडियो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरे सब बहन भाई, देखने वाले सब बहन भाई जी वेट कर रहे होंगे व्लॉग का, तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं सबके लिए। आज शुक्र है जी धूप निकली हुई है, मौसम बेहतर हो चुका है, तो जी दिखाते हैं आपको। थोड़ी देर के लिए बैठी थी धूप में ताकि जो जिस्म में ज़रा धूप लगेगी तो जिस्म की जो जिस्म में पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से अब बेहतर हूँ मैं। तो चलते हैं जी अंदर, आपको दिखाती हूँ बाकी की बातें शेयर करते हैं। हमारी मोटर हो चुकी है ख़राब, आज दो दिन हो गए मोटर ख़राब हुआ है। टब भर के रखा पानी का और ये देश का ये बाल्टी भर के रखी पानी की, इतना मसला हो रहा है ना पानी की, इतनी टेंशन हो रही है। ये देखिए जी ये बाल्टी भर के रखी, आज दो दिन हो गए हमारी मोटर है जो जल चुकी है। ये टब भर के रखा देश का तो अंदर चलते हैं, अंदर मेरे बर्तन वगैरह अभी धोने वाले पड़े हैं। ये देखिए जी पानी की वजह से, क्योंकि इश्फाक भी जा चुके हैं अपने बाहर, यहाँ पर पानी भर के रखा, पानी भरने वाला था अभी। कूलर है जो वो भी खाली हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि रात को भरा था पानी। बर्तन पानी की वजह से अभी तक पड़े हैं, क्योंकि किचन वगैरह मैंने सारा साफ करना है यहाँ से। ठीक हो गया, अभी सारी सफाई करने लगी थी तो पहले बर्तन धोने लगी थी, तो मैंने कहा पानी तो है नहीं, अब इश्फाक आते हैं तो पानी भरेंगे, तो तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ, कमरे की सफाई वगैरह कर लेते हैं जी। और मैं सोच रही थी क्यों ना बाहर जाके बैठूँ, बाहर बैठी हूँ धूप में, तब जाके मेरी तबीयत है जो फ्रेश हुई है, अब काम करने के काबिल हो चुकी हूँ मैं। सुबह ये देखिए जी मैंने नाश्ता किया था, बाकर खाने मंगवाई थी चाय के साथ, बच्चे भी सुबह नाश्ता बाकर खाने का ही करके गया हूँ मैं सुबह से, 1:30 बजे बच्चों ने भी आ जाना है। तो अब सफाई करती हूँ जल्दी जल्दी, ये 12:30 हो चुके हैं, टाइम भी गुजरता जा रहा है, जल्दी जल्दी से करते हैं जी सफाइयाँ। और कैमरा मेरे हाथ में, पहले कर लेते सारी सफाई वगैरह जल्दी से, ठीक हो गया से कर लेते हैं जी घर की सफाई वगैरह, तब तक शायद इश्फाक भी आ जाए तो पानी पुनी भर के दें, क्योंकि रात को भी हमने साथ वाले घर से पानी भरा था, तो अब भी देखते हैं, क्योंकि मोटर तो जो है बिल्कुल जल चुकी है, मोटर का खर्चा आ चुका है क्या कर सकते हैं अल्लाह वाले के, देखते हैं क्या करते हैं। तो सब बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, सब इश्फाक व्लॉग चैनल को प्लीज़ अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सबकी तरफ से ही मेरी सपोर्ट होगी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक हो गया जी, पानी पुनी भरना है अभी, और अभी मैं कर लेती हूँ जी रूम की सफाई वगैरह, यहाँ से सारा किचन है, ये देखिए सारा किचन वगैरह ये सारा साफ सुथरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जितना सा पानी है उससे तो बर्तन वगैरह धोए ना, तो बाकी का बाद में देखा जाएगा, कि मुझे ये था बच्चे भी आने वाले, अगर इश्फाक ना आए अभी जल्दी तो ये भी पानी में ज़ाया करके बैठ गई बर्तन बुर्तन धो के, तो फिर कहीं बच्चे ना आके परेशान हों, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने मुँह धोना है, अकेडमी जाना है, अरबी पढ़ने जाना है, फिर वो परेशान हो जाएंगे और मैं पानी कहाँ से भरती फिरूँगी तो इस वजह से बर्तन नहीं धो रही थी। सफाई वगैरह कर लेते हैं, पानी के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, चले देखते हैं क्या करते हैं। अभी सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह उठाते हैं, सफाई करते, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई रात को हमारे यहाँ, तो शुक्र है अब धूप निकली, धूप निकलने से ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई ही नहीं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप निकलने से ऐसे मौसम हो गया कि जैसे बारिश हुई नहीं है, लेकिन शुक्र है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो स्मोक थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। और सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका जी दिल से, जो इतनी मैम हमारी फिक्र करते, इतना प्यार करते हैं हमसे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। करते हैं जी सफाई वगैरह, ठीक है रूम की सफाई वगैरह करते हैं, देखते हैं इश्फाक कब तक आते हैं, बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, कमरे की मैंने सफाई वगैरह कर ली है, अब मैं बरामदे की सफाई करने लगी हूँ, यहाँ से लगाते हैं जी झाड़ू, और जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी लेने जाना है, फिर टाइम भी बच्चों का भी हो रहा है।
जल्दी से पहले लगा लेती हूँ झाड़ू और बाकी का काम बाद में करते हैं। किचन में खिलारा मचा हुआ है, वो भी बाद में समेटेंगे क्योंकि पानी आएगा तो पानी की वजह से बर्तन भी पड़े हैं अभी तक। जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। ये जी बांस की झाड़ू है, इसका अपना ही शोर अलग है। तो जी झाड़ू तो ज़ाहिर लगाना है, लेकिन झाड़ू भी यही ठीक रहती है बांस की झाड़ू। तो इसी से कंप्लीट करते हैं जी झाड़ू। काफी ऊपर था, नीचे कर लो। कैमरा हमारा काफ़ी ऊपर की तरफ है, इसे करते हैं ज़रा नीचे की तरफ, सेट करते हैं इसे। नीचे वालों ने लगाया हुआ डेक, उसके गाने की आवाज़ आ रही है। अब तो मैं झाड़ू वाली मासी बन गई। ये देखिए जी झाड़ू लगा लगा के झाड़ू वाली मासी बन गई। सुबह उठ के काम, शाम को काम, घर के काम ही काम। झाड़ू को रखते हैं जी बाहर, सफाई हो चुकी है। झाड़ू जी हमने लगा लिया, अब रह गया बर्तन वगैरह धोने वाले। इसमें पानी भी थोड़ा सा ही रह गया बर्तन धोने के लिए, तो पानी पुनी भरते हैं। ठीक हो गया, सफाई तो हमने जी कर ली है घर की। ठीक हो गया, अब रह गया जी बर्तन, रह गया किचन, रह गया किचन वगैरह साफ कर सुथरा करते हैं और दोपहर का बनाना है खाना।
जब तक इशफाक का वेट करते हैं, कितनी देर में आते हैं, तो क्योंकि वो आएंगे तो सब्जी वगैरह लेकर आएंगे, तो उनका वेट करते हैं, फिर पानी पुनी भी भरते हैं। ठीक हो गया जी, एक बज चुका है, चलते हैं बच्चों को लेने के लिए, बच्चों का टाइम हो चुका है, चलते हैं बच्चों के लिए। बैग जी, दो बच्चों को मैंने स्कूल से ले लिया, आज काफ़ी दिन के बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आई हूँ। और ये देखिए जी, दुआ मुन्ना जी, मुन्ना जी, और जी आज दुआ जी ने पढ़ी है तकरीर स्कूल में, तकरीर की है दुआ जी ने, तो घर जाके सुनते हैं दुआ जी से कैसी पढ़ी है दुआ जी ने। मुन्ना जी चलो बेटा आगे, ये मिस्त्री भाई हमें देख रहे हैं कि क्या बात है जी, ये वीडियो क्यों बना रही है, निकाब मैंने कर लिया ठीक। मिस्त्री भाई मेरे हाथ कैमरा देख के परेशान हो गए ने कि साड़ी वीडियो क्यों बना रही है। दुआ जी थक चुकी है, ऐसे ही दुआ जी, ये देखिए जी मुन्ना का मूड ऑफ हो चुका है, घर चलते हैं, बाकी की बातें बाद में शेयर करते हैं।